दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, यूपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2022 यानी 2022 जो है आ चुकी है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है इसकी भर्ती आयोजित की जाती है। 8वीं-10वीं पास जो उम्मीदवार हैं वो इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, यूपी आंगनबाड़ी सहायिका, यूपी आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता लगभग 53,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की बहुत बड़ी भर्ती है और इसके लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवार महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि के बारे में भी हम बात करेंगे और भी सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर आप लोगों को लगातार ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। जैसे ही कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो पशुपालन विभाग हो या फिर किसी भी प्रकार की भर्ती हो, वो हमारे चैनल पर सबसे पहले आती रहती है। तो दोस्तों, यूपी आंगनबाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो 2022 में 53,000 पदों पर आई है। तो इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बताना चाहेंगे कि इसकी जो वेबसाइट है वो आप नोट कीजिएगा, balvikas.go/balvikas.up.go.in के माध्यम से आप आंगनबाड़ी ऑनलाइन फॉर्म जो है भर सकते हैं। वहां पर जा करके आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और इसमें जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अंतिम तिथि एवं अन्य जानकारी जो है ये वेबसाइट पर बहुत अच्छे से मेंशन की गई है। और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग आंगनबाड़ी जॉब की तलाश अगर आप कर रहे हैं, यूपी से हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आप चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों तरह के उम्मीदवारों की वैकेंसी आई हुई है तो दोनों तरह के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।